गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है एक नया दिन और आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। हमने कल रात को यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए चेक इन किया था, अभी चेकआउट किया और हम जा रहे हैं एक आइलैंड पे। और आपको बता दूं कि आज शाम को विनय और उनकी वाइफ की बहन, ये तीनों लोग आज बैंकॉक के लिए वापस चले जाएंगे और मैं वापस से किसी हॉस्टल में, जो कि अभी तक मैंने बुक नहीं किया है। चलते आइलैंड पे, दिखाते हैं कैसे जाते हैं हम लोग। पहले यहाँ से जाएंगे किसी पियर पे, जहाँ से बोट पकड़ के आइलैंड पे जाएंगे। दोस्तों अभी हम आ गए हैं वो पियर पे और इस पियर का नाम है कान एंग पियर। यहाँ से हम लोग बोट पे बैठेंगे और बीच पे जाएंगे। पे बीच नहीं ना खाप, बनाना बीच को है। ओके, तो ये आइलैंड का नाम है को है, को मतलब आइलैंड, तो ये आइलैंड का नाम है को है और हम लोग जाएंगे बनाना बीच। और इस जगह का नाम है कांग एन पियर। दोस्तों ये साइन बोर्ड देख सकते हैं आप, बनाना बीच को है, तो हम लोग यहीं जाने वाले हैं। यहाँ से हमने टूर बुक किया है ना? चल हाँ, टूर नहीं लेकिन हम वो एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, वीआईपी कुछ वो होता है, आई मतलब सीट हुआ माना लगे खाए क्या। तो यहाँ से हमने टूर बुक किया है। मास्क कौन सा है रे साहब? पकड़ना, एक मिनट, मास्क पहनना, मास्क पहनना जरूरी है। ये है अंदर जाने का रास्ता, जो मैं आपको दोस्तों बता रहा था कि यहाँ पे एक त्यौहार है दिवाली जैसे, इसको ये लोग बोलते हैं लोए, ये क्रथोंग बोलते हैं, सॉरी क्रथोंग बोलते हैं, और ये पानी में बहा देते हैं, इसमें दिया हुआ जला के, और ये सारी सजावट उसी के लिए हुई है। यहाँ पे हमको करना है पेमेंट। और दोस्तों आज से मैं आप लोगों को पर दिन का खर्चा भी बताया करूँगा। यहाँ हम पे कर रहे हैं पर पर्सन 500 बाट, जिसमें है आना और जाना और भी कुछ है पता नहीं, एक बार देख लेते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा, अभी वो लोग बात कर रहे हैं कुछ, ये कोविड के चक्कर में उन लोगों को कुछ तो फॉर्म वॉर्म भरना है, तो वो मेरा भी फॉर्म भर देंगे। तब तक मैं आप लोगों को यहाँ से नज़ारा थोड़ा दिखा दूँ, जाके पेमेंट करते एक बार जब वो फॉर्म फिलअप कर दें। इन्हीं में से किसी एक बोट पे जाना रहेगा हमको। ये मैडम टेम्परेचर चेक कर रही हैं। अच्छा, ये एक बैंड भी दिया इन्होंने ने। चलिए मुझे अपना फॉर्म खुद ही भरना रहेगा, उसके बाद मिलते हैं आपसे। आज विनय भाई साहब मेरे कैमरामैन रहेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ है, ये कौन सा पियर है, कांग एंग पियर।
और यहाँ से हम लोग इन्हीं में से कोई एक बोट पकड़ेंगे, पता नहीं कैसी बोट है, और हम जाएंगे 10 बजे। अभी बज रहे हैं 9:45, 15 मिनट बाद हम जाएंगे और 4 बजे वापस आएंगे। इनके कई सारे टूर हैं, कई सारी टाइमिंग्स हैं, और जो टिकट है उसमें इंक्लूड है आना और जाना स्पीड बोट से, प्लस इंश्योरेंस। बस यही, लंच तो इंक्लूड नहीं है, तो बस यही। चलिए मिलते हैं आगे। ये एक बार आप नज़ारा देखिए, विनय भाई साहब दिखा रहे हैं आपको। จะมีที่นั่งเอาไว้ให้นะคะแล้วเราก็จะมีที่นั่งสำหรับแต่ละสีนะคะทำไมเราต้องใส่ริชแบนสีที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่านักท่องเที่ยวบนเกาะเยอะมากนะคะเราจะได้แยกถูกนะคะว่ากลุ่มนี้เป็นสีอะไรสีอะไรนะคะหลังจากนั้นนะคะบนเกาะนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดูนกเงือกนะคะก็จะมีนกเงือกลงมากินกล้วยนะคะให้ถ่ายรูปเอาไว้นะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆของบนเกาะก็จะมีพาราเซลนะคะซิปไลน์ตัวนี้แล้วก็บานาน่าโบ๊ทนะคะรวมไปถึงเรือพายเคียร์คยักตัวนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะตอนนี้สำหรับกิจกรรมทุกกิจกรรมมีโปรโมชั่นลด 15% มีลด 50% นะคะลด 50% อยู่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะและจะมีสมาชิกบางท่านนะคะที่ว่าจ่ายเงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรบกวนแจ้งชื่อกับทางเช็คสิทธิ์นะคะของท่านกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยสำหรับอาหารกลางวันนะคะเราก็จะทานอาหารบนเกาะนะคะอาหารบนเกาะก็จะมีเป็นเซตต่างๆตามที่ลูกค้าได้จองเอาไว้นะคะสำหรับท่านใดที่ว่ายังไม่ได้จองก็สามารถออเดอร์ได้ตามรายการอาหารบนเกาะได้เลยนะคะของเรานะคะจะรวมหน้ากากสโนว์เกิลเสื้อชูชีพตรงนี้นะคะจะเป็นบริการฟรีนะคะสำหรับว่ายน้ำตรงบริเวณชายหาดที่เกาะนะคะ อย่างอื่นน้องหญิงมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะลูกค้ามีคำถามไหมคะถ้าจะใช้บริการอย่างคุณจองณเดือนเดือนก่อนหมายถึงกิจกรรมใช่กิจกรรมไปที่เกาะได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนขึ้นเรือเรากลัวลูกค้าใส่แมสนิดนึงนะคะตอนเดินไปขึ้นเรือนะคะโอเคเดี๋ยวลูกค้าพร้อมไหมคะโอเคเดี๋ยวขอเป็นสีเขียวนะคะเดินก่อนนะคะดูสิยี่ลูกคุช explain कर रहे थे आइलैंड के बारे में, वहाँ के सर्विस के बारे में, और एक्सप्लेन से ज़्यादा ये अपना जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं वो बेच रहे थे। तो चलते हैं, इन्होंने ग्रुप में बांटा है हरे बैंड वालों को, और वो जो दूसरी लाइन थी वो ब्लैक बैंड वालों को। तो वो जो दो टूर गाइड थे उन वो दोनों मतलब दो ग्रुप को लेके जा रहे हैं। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं पियर की तरफ जहाँ से हम बोट में चढ़ेंगे।
दोस्तों ये है हमारी बोट सामने जिसमें हम जाएंगे। हाँ वो ये बैठा ये है स्पीड बोट और उसको बोलते हैं जो सामने जा रही है उसको बोलते हैं लॉन्ग टेल बोट। दोस्तों हम आ गए हैं बनाना बीच पे और क्या ज़बरदस्त साफ सुथरा पानी है। ये देखिए मछलियाँ अंदर की साफ साफ दिख रही हैं। पानी यहाँ का पानी और यहाँ का बीच दोनों बहुत साफ सुथरे हैं। देखते हैं हम यहाँ कोई एक्टिविटी करते हैं कि नहीं क्योंकि एक्टिविटी सारे एक्टिविटीज़ के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं यहाँ पे। ये देखिए वाइट सैंड बीच। छोटा सा बीच है बट खूबसूरत है।